नमस्कार सर्वजक एन एस स्टाडी पॉइंट लोक सकुके पुनः स्वागत जानसो आज पुनः आम सरकार कर्मचारी और पेन्शनार अत्यंत भल खबर लिखी ये भल खबर तो आम नतुन बर्षर डिया बृद्धिर ऊपर आम सरकार कर्मचारी जानवर 2023 पालगिया डिए चार पाँच शतांश लेकिन बेसिक पा है सर्वजय नवबर्ष आम डिए चार शतांश बृद्धि पा तो प्राय निश्चित हो गई है। लेबर ब्यूरोर प्रेस विज्ञप्ति अनुसरी नवेम्बर 2022 सर्वभारतीय सी पी आई आई डब्ल्यू ए परिवर्तित नोहक 132.5 आसे जानुरी 2023 आशा कर डि ए डि आर यह मुकुलर सहित चतुर्थ पर्याय प्रवेश सी पी आई डब्ल्यूर सूचांक प्रकाशर पिछत केन्द्रीय सरकार कर्मचारी और पेन्शनार डि ए डि आर चार शतांश बृद्धि 42 शतांश निर्धारण करदे अहर सूचांक 5.2 ह्रास पाए अर्थात जो 5.2 ह्रास पाए तं डि ए डि आर 42 शतांश परवर्ते 41 शतांश हम पे और जदि आम सूचांक 7.0 बृद्धि पाए तं डि ए डि आर 42 शतांश परवर्ते 43 शतांश हम पे सूचांक एने परिवर्तन हर सम्भावना कम जन लगे सहे आम सरकार कर्मचारी 2023 चनर जानुरी माहर जी डि ए पालगिया डि ए डि आर 42 शतांश हम बी आम सम्पूर्णरूपे निश्चित हम पार सर्वदय आम बचर दुबार डि ए बृद्धि है एबार जानुरी एबार जुलाई माह जानुरी डि ए तो आमार जुलाई पड़ा आरम्भ कर जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवेम्बर डिसेम्बर लेकिन जी सूचांक आम ए आई सी पी आई एने प्रकाश कर सूचांकर आधार केन्द्रीय सरकार डि ए घोषणा कर गति के आम डि ए तो जदि जानुर घोषणा करलिया आथापि आम केन्द्रीय सरकार सचराचर मार्च माहते घोषणा कर गति के आम डि ए तो मार्च बा एप्रिल माह भर पाम गति के सर्वदय आमार आज भिडिओर मूल विषय जो आम सरकार कर्मचारी आगंतक अर्थात आमार जानुरी माहर जी डि ए डि ए अहा मार्च माह सरकार घोषणा कर और हे डि ए चार शतांश घोषणा करें प्राय निश्चित हम पार कारण लेबर ब्यूरोर जी सूचांक प्रकाश कर सूचांक अनुसरी आम केन्द्र सरकार सरकार कर्मचारी यह मुर्गिया बानस घोषणा कर गति के आम आशा पारे आम आगंतक जी डि ए बृद्धि हम ए डि ए चार पाँच शतांश बृद्धि हम पारे कि चार शतांश बृद्धि पा तो प्राय निश्चित गति के सर्वज भिडिओ जरिए अपना जो क्या कथा जानवे क्या भल पासे अनुग्रह करिडिओ लाइक शेयर कमेंट कर आगंतक दिन प्रेरणा जगह और जिस सार बैदे आम चेनेल पुन प्रथम तलोको अनुरोध परवर्त समय सरकार चाकरियाल विभिन्न खबर समूह सम्पूर्ण शुद्ध तथ्य ऊपर पुन प्रथम पारे आम चेनेल सबसक्राइब कर का बेल बटन तो ऑन कर लो गए आमार आजिर भिडिओ इते समाप्त करलो धन्यवाद।